ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा सुन के ही आपको जो उपाय बता रहे वही बताएंगे। और आपके घर में जो भी परेशानी है, अगर आपके घर में बहुत ही कर्जा बढ़ गया है या आपके घर में कोई भी ऐसी परेशानी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो दोस्तों आज इस उपाय से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इसके साथ अगर आपके बच्चे बहुत नटखट है, पढ़ाई नहीं करते हैं या आपका कहा नहीं मान रहे हैं और पूरा दिन मोबाइल में ही पड़े रहते हैं, तो दोस्तों पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही हम सभी उपाय आपको समझाएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आज हम आप लोगों को 108 चावल के दाने का विशेष उपाय बताने वाले हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में कई बार बताया है। और इस उपाय का फल बहुत बड़ा आपको होकर मिलता है, इसलिए यह उपाय बहुत ही विशेष है। 108 चावल के दाने शिव जी पर कैसे चढ़ाए यह बात भी हम आपको बताएंगे। यह उपाय बहुत ही साधारण है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर किसी विशेष दिन पर इस उपाय को करेंगे तो इससे आपको और भी ज़्यादा विशेष फल की प्राप्ति होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और प्रातः काल सुबह सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको चावल के दानों की आवश्यकता होगी, जो कि आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे। आपको मात्र अपने घर की रसोई घर में से 108 चावल के दाने गिनकर एक साथ रख लेना है। और जब भी आप जिस दिन भी आप इस उपाय को करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो, उस समय आपको 108 चावल के दानों को भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। प्रातःकाल सुबह सुबह जा रहे हैं तो एक लोटा जल अपने साथ लेकर जरूर जाए। और जो भी पूजन सामग्री है वह आप लेकर जा सकते हैं। शाम के समय जा रहे हैं तो एक दीपक बाती भी लेकर जाए, उसके बाद ही आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाए। और शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप अपनी पूजन अर्चना कर ले और उसके बाद आप शिव जी के पास में एकांत में बैठ जाए। बैठने के बाद आपको 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में निकाल लेना है। उसके बाद इन 108 चावल के दानों को चढ़ाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इन 108 चावल के दानों को एक साथ शिवजी पर चढ़ा दें। और दूसरा तरीका यह है कि आप इन 108 चावल के दानों को एक एक करके मंत्र बोलकर शिवजी पर चढ़ा दें। तो आपको क्या करना है कि 108 चावल के दाने जो है उसको एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। और जैसे ही आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाते हैं तो उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने मन में या अपने मुख से जरूर बोलना है। इसी प्रकार से 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाए और हर एक दाने चढ़ाने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करें। अगर आप चाहे तो 108 चावल के दाने एक साथ भी भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाएंगे तो भगवान शिव आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे और जल्दी प्रसन्न होंगे। शिव जी पर पूरे 108 चावल के दाने चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसे बोल सकते हैं। कोई दुख और समस्या चल रही है तो उसे भी बोल सकते हैं, या तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर वापस आ सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। आपने जिस कामना को, जिस दुख और समस्या को सोचकर इस उपाय को किया होगा, आपकी वह समस्या जरूर बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। अब कई सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या इस उपाय को हम घर अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप लोग को उपाय का पूरा फल चाहिए तो आप इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करिएगा। अगर इस उपाय के अलावा आप और किसी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।